मध्य प्रदेश में लंबी सियासी उथल पुथल के बाद बीजेपी ने सत्ता तो हासिल कर ली। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री की कमान भी सौंप दी, लेकिन राज्य में अब तक कैबिनेट का गठन नहीं किया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है। तो कांग्रेस ने पत्र में राष्ट्रपति से की है क्या मांग, जिसे लेकर हो सकती है बीजेपी को परेशानी, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में जब से कमलनाथ सरकार की विदाई हुई है और 15 महीने बाद शिवराज सरकार ने वापसी की है, तब से वो एक्शन मोड में आकर पिछली सरकार के फैसलों को तो तेजी से पलट रहे हैं, लेकिन जिस काम से राज्य के विकास को गति मिलेगी उस पर ध्यान नहीं दे रहे। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिवराज कैबिनेट की, जिसका सरकार बनने के करीब 20 दिन बीत जाने के बाद अभी तक गठन नहीं हो पाया। विपक्ष का कहना है कि कैबिनेट नहीं होने से कई काम रुके हुए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और वकील विवेक तन्खा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर सूबे की बीजेपी सरकार को घेरा। तन्खा का कहना है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार असंवैधानिक है, क्योंकि ये मंत्री परिषद के बिना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट बनाने में सक्षम नहीं है तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। तन्खा ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा, राष्ट्रपति जी, मैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ न्याय की अपील कर रहा हूं। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, मार्च 23 से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेले सरकार चला रहे हैं, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री तक नहीं, बिना कैबिनेट के ये कैसा प्रजातंत्र है। तन्खा ने कहा, मौजूदा परेशानी के कारण पैदा इस मुसीबत की घड़ी में यह असंवैधानिक सरकार है। पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की कि वो मध्य प्रदेश की जनता के जीवन की बेहतरी के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करें। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी की वजह से स्थिति बहुत खराब है। प्रदेश बुरे दौर से गुजर रहा है। इंदौर की स्थिति बहुत चिंताजनक है। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग के 45 से ज्यादा अधिकारी प्रभावित पाए गए हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल का होना जरूरी है, ताकि जनता के हक में फैसले लिए जा सके, रुके हुए काम को बढ़ाया जा सके। ऐसे में अब राष्ट्रपति कांग्रेस के पत्र पर क्या जवाब देते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।